बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद खातिन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज पहली दफ़ा बज़्मे गज़ल में आपका मेज़बान अली अब्बास कसूरी। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मुलाकात करके। आपको भी यकीनन बहुत अच्छा लगेगा, भाई बज़्मे गज़ल है, गज़ल की दुनिया है। आप जितने भी अदब के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जहाँ तक भी आपको शेर व शायरी के साथ ताल्लुक़ है, आपको ज़ौक़ है, उस ज़ौक़ की तस्कीन के लिए आपकी सबसे पहली चॉइस बज़्मे गज़ल ही है। तो बज़्मे गज़ल को आप देखने के लिए, सुनने के लिए हमारे प्रोग्राम्स को, आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि पूरी दुनिया में जितने भी गज़ल के शौकीन लोग हैं, जो शौक रखते हैं खास तौर पर अदब के साथ जिनका ताल्लुक है, वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे, तो आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। मुझे आज बहुत अच्छा लगा। पहले मैं आपको एक मोहसिन नकवी साहब की एक गजल का एक छोटा सा हिस्सा सुनाऊं। वो कहते हैं कि चलो कोई नगर ऐसा बसाएं जहां सब लोग मिलकर मुस्कुराएं, जहां मौसम खिजां से अजनबी हो, चरागों से हवा की दोस्ती हो, सितम शब खून हमारे हौसलों पर मुसल्लत हो, जमी खुद जलजलों पर, जहां हरियालियां झुलसे ना लू से, जहां होली न खेले खुद लहू से, जहां लहराएं चेहरों पर नकाबे, जहां टूटे न खेमों की तनाबे, जहां चहके हर एक सुफाख्ताएं, फसुरदा लब तराने गुनगुनाएं, जहां सब लोग मिलकर मुस्कुराएं, चलो कोई नगर ऐसा बसाएं। मुझे पूरा यकीन है कि आप हमारे इस चैनल को, बज़्मे गज़ल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, खास तौर पे आपने बेल आइकन को जरूर दबाना है, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे और आपका प्यार हमें मिलता रहे। हम इंशाल्लाह आपके साथ मिलते रहेंगे।